24 में आपका स्वागत है। राम सर क्षेत्रपाल जी का मंदिर आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है। उसकी बात है कोरोना काल के चलते हुए ये मंदिर है बंद किया गया, लेकिन भगत जन है अभी यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मन्नत पूरी मांगते हैं। ये मंदिर के सदस्य बैठे हैं, जानते हैं इनसे बात करके उसकी बार जो है कुल कितने यात्री बैठे थे भैया नाम सर, कुल उसकी बार कितने भगत जन आए? नॉर्मल से एक कई दिन में 100-200 आदमी। क्या वो पूरी शक्ति रखते हैं? पूरे सुबह मास्क लगाते हैं, सब कुछ सारे। ये कितनी बड़ी धाम है जो आए साल कितने यात्री आते थे और उसकी बार कितना फर्क है? उसकी बार मतलब 10% का ही है, बाकी 90% तो आदमी आते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम पल्लू और सालासी के साथ जुड़ा हुआ है। वो मंदिर भी बंद है तो इसके साथ जुड़ा हुआ। जैसे पल्लू और सालासर जो यात्री जाते थे वही यहाँ आते हैं? आते हैं वो आगे भी जाते हैं। अभी आप यहाँ क्या क्या सेफ्टी रखते हैं? मास्क लगवाना और सब, ये कहना उसकी दूरी बना के रखते हैं। क्या सभी दूरी रखते हैं? नहीं, क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, इनकी क्या मान्यता है? ये है बाबा जी के मंदिर से पूरी होती है, यहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, वो उसकी पूरी होती है। दोबारा मतलब कितनी पुरानी गाँव है ये? 500 साल। 500 साल पुरानी। जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं ये बकरी है, इनको लोग यहाँ रख के जाते हैं, इनका आप क्या करते हैं? नहीं, ये अमर छोड़ते हैं, क्योंकि मनोकामना के लिए बोलते हैं, जैसे बच्चों के लिए या शादी के लिए, और जब भी मनोकामना पूरी होती है तो फिर इन बकरों का यहाँ आप क्या करते हैं? नहीं, अमर छोड़े जाते हैं, मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, खुला छोड़ दिए घूमने के लिए। अब की बार कितने आए, ये जो पहले थे कितने आ जाते थे एक दिन में? नहीं, बस ये नॉर्मल इतने ही आते हैं, बाकी अब तो पीछे काफ़ी सालों से बंद है, ये क्या कुछ लॉकडाउन की वजह से ही आ रहे हैं, बाकी तो नहीं आते। बकरी है वो लॉकडाउन की वजह से आ रहे हैं? नहीं नहीं, पीछे जो रुके हुए ना 6 महीने से ना, वही आ रहे हैं उस रोज के देख को ऊपर। नहीं, मंदिर में आप इन जिनको जिनको को चलवा रहे हो, क्या ये सरकार की मान्यता है? नहीं, ये तो बाबा जी के बोले जाते हैं ना, उसकी सरकार की कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी। क्षेत्रपाल जी धाम है, रावत सर के बीचों बीच ये धाम बनी हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध ये धाम है। भक्तजनों का कहना है कि आए साल है वो ये 10 से 15 लाख यात्री है वो आते थे, लेकिन इस बार है वो हजारों में निपटाए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मंदिर की कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यहाँ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ श्रेयम है वो धजियाँ उड़ाई जा रही है। क्या आप इनको कहते नहीं मास्क का? ये बाहर के यात्रीगण खड़े हैं, ये जानते हैं कहाँ से है। आपको पता है कि मंदिर बंद है, कोरोना एक महाबीमारी हमारे भारत में आ चुकी है, उसके बावजूद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे? आप मास्क क्यों नहीं लगाते? बच्चों को मास्क नहीं लगाते, खुद नहीं लगाते। आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, लेकिन मास्क लगाना है वो किसी ने जरूरी नहीं समझ रखा है। ये बच्चे का मास्क, बच्चे का मास्क गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में रखने से क्या कोरोना रुक जाएगा? बच्चों का तो नहीं करेंगे। कहाँ से? बठिंडा। काफ़ी दूरी से यहाँ आई है ये दूरी तय करके भक्तजन, लेकिन बच्चों का है मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। आप देख पा रहे हैं बच्चे हैं, बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग आदमी है, काफ़ी समझदार है, लेकिन ये भी मास्क लगाना बहुत जरूरी नहीं समझते। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क तो इससे जाना कौन, मैं तो बार बस तुम डांट धोख देने आया, इतने पड़ा दोहरा मोया, शरीर सही है सो सर। इनका कहना है कि शरीर सही है, मास्क क्या होता है हम तो जानते नहीं, बाहर से आई है, लेकिन ये यहीं से आई है, पास के गांव बता रहे हैं यहीं से आए हैं। आज के दौर में जहाँ सरकार इतनी इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा रही है, वही लोग खुद है अपना ध्यान नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का है वो सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात है, लेकिन वो इनको कुछ नहीं कह रहे। कैमरामैन के साथ मैं समझ चुका हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।